तो दोस्तों पूज्य गुरुजी ने कहा है, दीपावली के पावन अवसर पर अगर आपने ये चांदी के सिक्के वाला उपाय कर लिया तो यह आपके जीवन से धन की समस्याओं को समाप्त करने वाला है और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला है। यानी कि आपके जीवन में जो भी धन से जुड़े हुए आर्थिक संकट हैं उन सभी को समाप्त करने वाला है। इसीलिए गुरुजी ने बताया है, जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं ज्यादा रहती हैं, आप लोगों के जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन वह कहीं गलत जगह पर खर्च हो रहा है, यानी कि वह बीमारी में खर्च हो रहा है, कहीं अन्य कार्यों में खर्च हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है चांदी के सिक्के वाला उपाय दीपावली के पावन अवसर पर आपको यह वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में धन की ऐसी प्राप्ति होने वाली है जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यानी कि इस उपाय के माध्यम से आपको आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। यह उपाय आपको आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति करवाने वाला है, जो कि आपके जीवन में एक बार प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमें हमारे जीवन में धन हमेशा प्राप्त होता रहेगा और वह कभी भी अनावश्यक कार्यों में खर्च भी नहीं होगा। यानी यह जो धन है जो हमें हमेशा सफलता की ओर ही लेकर के जाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक गोल वाती का दीपक तैयार कर लेना है और दो लंबी वाती के दीपक तैयार कर लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक चांदी का सिक्का ले लेना है और इसी के साथ में आपको तीन कमलगट्टे ले लेने हैं। तो दोस्तों यह उपाय आपको रात्रि में दीपावली के दिन 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो एक चांदी का सिक्का लिया है उसे सभी माताएं बहनों को अपने पल्लू में बांध लेना है। अगर भाई लोग इस उपाय को कर रहे हैं तो वो अपनी जेब में सिक्के को डाल सकते हैं। तो सिक्का अपने पल्लू में बांध लेने के बाद में आपको ये तीनों दीपक को लेकर और कमलगट्टे को लेकर या तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा सकते हैं, या तो पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हैं, या तो आंवले के पेड़ के नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों पेड़ों के पास में से किसी एक पेड़ के पास में आपको जाना है। तो दोस्तों हम लोग तो आंवले के पास जाएंगे लेकिन आप लोगों के पास में जो भी वृक्ष हो इन तीनों वृक्षों में से उसके पास में आप जा सकते हैं। तो आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले क्या करना है, तो दोस्तों आप अपने साथ जो तीन दीपक लेकर आए हैं उसमें से आपको गोल वाती का दीपक आपको अपने सीधे हाथ में उठाना है और आपको भगवान गणेश जी का स्मरण करना है और आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर से धन की सारी समस्याओं को समाप्त करें और हमारे घर में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएं। फिर दोस्तों आपको दूसरे दीपक को अपने सीधे हाथ में उठाकर रखना है और उसकी बाती का मुख आपको अपनी तरफ रखना है। फिर आपको माता लक्ष्मी जी का स्मरण करना है और आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर से धन की सारी समस्याओं को समाप्त करें और हमारे घर में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएं। फिर आपको उस दीपक को पेड़ के पास में रख देना है और उस बाती का मुख आपको पेड़ की तरफ रखना है और उसके बाद में आपको तीसरा दीपक अपने सीधे हाथ में उठा लेना है और उसके बाद में आपको माता सरस्वती जी का स्मरण करना है और इस दीपक की बाती आपको अपने सीधे हाथ में ही पेड़ की तरफ रखनी है और आपको माता सरस्वती जी से प्रार्थना करनी है कि हमें ज्ञान प्रदान करें और इस दीपक को भी आपको पेड़ के पास में रख देना है और इसकी बाती का मुख आपको अपनी तरफ रखना है और इसके बाद में आपको झोली पसार कर प्रणाम करना है और सीधे अपने घर पर आ जाना है और आपको पलट कर नहीं देखना है। और आपने सबसे पहले जो अपनी पल्लू में चांदी का सिक्का बांधा था उसे आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है, बस इतना सा उपाय आपको करना है कि आप देखेंगे अगली दिवाली तक आपके घर में धन धान के भंडार बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव।